शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखो उर्वशी मैम साहब की सच्चाई अपनी आंखों से देख लो। कहना क्या सच्चाई देखे? ये देखो ना यार, जो तुम गौरव को दिखाना चाह रही थी वो तो यहाँ है ही नहीं। उर्वशी मैम साहब, आपका प्यार इतना कमजोर है कि आपको दुनिया से छुपाना पड़ रहा है। आज शाम सूरज ढलने से पहले मैं नहीं बल्कि गौरव तुम्हें खुद बताएगा कि उसकी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं। उर्वशी चौधरी को अगर कुछ अच्छा लग गया, कुछ पसंद आ गया, फिर वो और किसी का हो ही नहीं सकता। तुम बात का पतंगड़ बना रही हो गैना। हमारे दिमाग में उर्वशी मैडम के लिए गलत फहमी डाल रही हो। गौरव, एक बार हमारी गौरव बात तो सुन लो। तुम ऐसे गौरव गौरव हमारी बात तो सुनो। गौरव हमारी एक बात पर बस गया ना, नहीं सुननी हमें तुम्हारी ख्याली बात है। और उर्वशी मैडम के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें कम से कम ये सोचना चाहिए था कि कहां वो महलों की रानी और कहां एक छोटे से ड्राइवर। उन्होंने हमें मॉडल बनने का मौका दिया है, हमारे सपने पूरे कर रही है। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं गैना, और उनके खिलाफ तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी, समझी तुम? अगर तुमने उनके खिलाफ कुछ भी गलत बोला ना, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी दोस्त हो। हे माते, जैसे आप माँ पार्वती के बिना कुछ नहीं, वैसे हम भी अपने गौरव के बिना कुछ नहीं। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम गौरव के सामने उर्वशी मेम साहब की सच्चाई ले आए। चलो 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 जल्दी, पढ़ाई भी तो करनी है। बाबा, कल से चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहे हैं। सारे ऑपोजिशन की नजर हम पर और हमारे परिवार पर होगी, इसलिए जो हम कह रहे हैं सब लोग ध्यान से कान खोलकर सुने। परिवार के किसी भी सदस्य से छोटी गलती भी नहीं होनी चाहिए। हमने डॉक्टर से बात कर ली है, वो हमारे बहू की रिपोर्ट किसी को भी नहीं बताएंगे। हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि हमारा बेटा और बहू इतने निकम्मे हैं कि इस घर को एक वारिस तक नहीं दे सकते हैं। प्रिंस, प्रिंस, बचवा तुम ही लो, ये सब लो और जाओ, जाओ वहाँ बैठ जाओ। बड़े साहब, आपने जो बोला था वो सामान गाड़ी में रख दिया। सुधा, हम पार्टी के ऑफिस जा रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन मेरा ये तुमसे वादा कि आज शाम सूरज ढलने से पहले मैं नहीं बल्कि गौरव तुम्हें खुद बताएगा कि उसकी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं। मेम साहब, आपने देखा, हमारे महादेव भी नहीं चाहते
कि आप जीते, इसलिए साहब खुद गौरव को आपसे दूर लेकर जा रहे हैं। यहां क्या कर रहे हो तुम? जाओ अपने रूम में खेलो। प्रिंस, बेटा तुम्हें पता चलेगा उर्वशी चौधरी के सामने मुंह खोलने का क्या नतीजा होता है। कैसे चिपक गया है ये? चलो बैठो उधर। क्या हुआ आपको? आपको तो चोट लग गई है। रुके, आराम से मैडम। एक क्या हो रहा है इस घर में? मैडम आप ठीक हैं? नहीं, वो चक्कर आ गया था। मैडम संभाल के। गौरव, सूरज ढल गया क्या? नहीं मैडम, अभी टाइम है थोड़ा। इस तरफ तो पक्का ढल गया। वो मुझे रूम तक छोड़ दोगे प्लीज? हाँ मैडम, चलिए। मैडम समझे, हम आपको रूम तक छोड़ देते। मैडम
लेकिन मेरा ये तुमसे वादा है कि आज शाम सूरज ढलने से पहले मैं नहीं बल्कि गौरव तुम्हें खुद बताएगा कि उसकी जिंदगी में मेरे क्या मायने हैं। जलन हो रही है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि जीत किसकी हुई है, तो अब गौरव को भूल जाओ क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है और जो मेरा होता है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। यही फर्क है आप में और हम में मीठा, जो आपकी हार साबित करता है। आप सिर्फ गौरव को एक चीज समझती है जिसे हर हाल में आप हासिल करना चाहती है। तुम ना, अरे ये क्या हुआ? तुम वो गहना ने अपना हाथ जला लिया और मैं गहना से वही तो कह रही थी कि जब जलन होती है ना तो उससे खेलना नहीं चाहिए। आइस पैक लगाना चाहिए, है ना? मैडम सही कह रही हैं। तुम्हारे लिए ये बहुत रेयर घड़ी है। इंडिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है और तुम उनमें से एक हो। इतनी महंगी घड़ी हमारे लिए? वो इसलिए क्योंकि इस वॉच की तरह तुम भी रेयर हो और आज तुमने मुझे गिरने से बचाया, मेरी इतनी हेल्प की, तो बस ये उसी का गिफ्ट है और ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू मैम। ये नई घड़ी तो तुमने पहनी है पर जिंदगी का नया चैप्टर मेरा शुरू हो रहा है। ये सब क्या है गहना? इसकी जरूरत बहुत जल्द पड़ने वाली है तुम्हें। अरे पर हमें इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि मेम साहब का दिया हुआ इतना महंगा तोहफा तुमने रख जो लिया, तो अब तुम्हें भी उन्हें कोई महंगा तोहफा देना पड़ेगा ना। भूल गए बचपन में माई ने हमें का सिखाया था? जितना महंगा तोहफा तुम सामने वाले को दे सको उतना ही महंगा तोहफा कबूल करो। पर मैडम ने इतने प्यार से हमें ये दिए और कल को अगर प्यार से वो इतनी महंगी गाड़ी घर बंगला जो भी देंगी वो रख लोगे का और भूल जाओगे कि माई ने हमें यही सिखाया था कि खुददारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। देखो इसके ऊपर अगर तुम्हें कुछ लगता है तो तुम्हारी मर्जी, हमें तो जो बोलना था हमने बोल दिया। कौन है? मैडम हम गौरव, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। मैडम ये घड़ी बहुत अच्छी है और हमें आज तक इतना महंगा और कीमती तोहफा किसी ने भी नहीं दिया।
लेकिन अभी इसे पहनने की हमारी औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिफ्ट रिजेक्ट करने की? माफ कीजिएगा मैडम, पर जैसा आपने कहा कि ये घड़ी इंडिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है, इतना कीमती तोहफा हम आपसे नहीं ले सकते, इतनी हमारी औकात नहीं है, क्योंकि इतना कीमती तोहफा हम आपको कभी वापस नहीं दे पाएंगे। हमारी अम्मा कहती है कि जितना महंगा तोहफा तुम सामने वाले को दे सको उतना ही महंगा तोहफा कबूल कर। इसलिए अगर आपको आपको हमें तोहफा देना ही है तो हमारी औकात का दीजिए। गौरव के मुंह से जो शब्द निकले वो तुम्हारे ही थे ना? गौरव को ये औकात की पट्टी तुम ही ने पढ़ाई है, अब तुम देखना गौरव की औकात में इतनी बढ़ा दूंगी कि वो तुम्हारी औकात से बाहर निकल जाएगा और फिर तुम उसे कभी भी अपना नहीं बना सकोगे। औकात से बड़ी चीज होती नसीहत, जो महादेव लिखते उसे आप नहीं बदल सकती मेम साहब, ना गौरव की ना हमारी और ना ही खुद की। जिसके भी नसीब में जो लिखा होता है वो उसे मिल ही जाता है। ये हॉस्पिटल से अर्जेंट लेटर है गौरव जी के लिए, उनकी बहन पूर्वी के बारे में। हमने उनसे कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की लेकिन उनका फोन लगा नहीं। जी आप हमें दे दीजिए, हम गौरव को दे देंगे। ओके। ये चिट्ठी अस्पताल से पूर्वी दीदी के यहाँ से, इसका मतलब अरे क्या हुआ, इसे ढूंढ रही है? वो हम गौरव को ढूंढ रहे हैं। आपने देखा उसे? गौरव यहीं पे कहीं होगा पता नहीं, लेकिन तू इतना घबराई हुई क्यों है? नहीं वो हमें बड़ी मेम साहब को हम पूर्वी दीदी के बारे में नहीं बता सकते, वो हमें कुछ काम था। उठाओ गौरव, शायद पूर्वी दीदी को हमारी बहुत जरूरत है। ये फ्रांस झुमकी के लाइफ में देखिए, हमने पहना आज ही पिंक ड्रेस, सी करिए और जल्दी से कमेंट कर।
तुमने गौरव को कहीं देखा? उर्वशी मैडम ने इसे न्यू क्लोथ लेने के लिए भेजा है। आज इस ट्रायल्स है ना, इसीलिए गौरव का फोन नहीं लग रहा है। हम ही पढ़ लेते हैं। उर्वी शुक्ला के फेफड़ों में निमोनिया हो गया है, अगर उनका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उनकी जान खतरे में है। मैडम जी, वो यहाँ एक पेशेंट है पूरी नाम की। पैसे लेकर आई आप? हम बंदोबस्त कर रहे हैं, अगर ऑपरेशन करने में देर कर दी तो पूर्वी की जान को खतरा हो सकता है। गौरव, ये लेटर तुम्हारे लिए हॉस्पिटल से आया है। हमें तो हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं आया। मुझे नहीं पता कि गहना ये लेटर क्यों छुपा रही थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं पैसों का जुगाड़ करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको अपनी एक किडनी देनी होगी। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।